सो फाइनली बोर्डिंग माई फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। सो फाइनली लैंडेड इन कोलंबो एंड द ट्रिप बिगिंस। वेरी गुड। अभी क्या बोले, गुड मॉर्निंग बोलेंगे राइट? और इमिग्रेशन को क्लियर करने के लिए। सो इमिग्रेशन प्रोसेस इज डन। उन्होंने बस यही पूछा कि मेरा रिटर्न का टिकट कब का है और कितने दिन के लिए आया हूँ, और अब जा रहा हूँ सीधा बैगेज कलेक्ट करने। बैगेज कलेक्ट करने के बाद फिर करेंसी एक्सचेंज, और इमिग्रेशन कराने के बाद देर इज़ अ ड्यूटी फ्री शॉप जहाँ आपको चॉकलेट, लिकर, आपको जो भी चाहिए यहाँ मिलेगा। अभी फ़िलहाल बैगेज तो कलेक्ट कर लिया है, और बाहर जाते हुए मुझे एक कस्टम का बोर्ड दिखा जहाँ पर आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। अगर आप कोई भी सामान अपनी कंट्री से लेके आ रहे हो तो श्रीलंका में घुसने से पहले आप उन सब सामानों का एक डिक्लेरेशन कर सकते हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में कस्टम की। सो ये है कस्टम गुड्स टू डिक्लेयर, यहाँ पर आके आप डिक्लेरेशन कर सकते हो। ए तेरे को डिक्लेयर कर दें यहाँ पर, इंडिया से लेके आए हैं, वापस कस्टम में रोकना ले तेरे को। क्या कर रहा है? पीस, यू ओनली वॉन्ट पीस। तो फिलहाल अभी जूही और रुचिका जो है वो कुछ ले रही हैं ड्यूटी फ्री से, सो एम वी आर जस्ट वेटिंग हेयर। और इसके बाद बस वहीं अपना करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड का जो भी है वो सब देख के, और फिर यहाँ से बस पकड़ के सीधा कोलंबो। सो करेंसी एक्सचेंज के लिए काफ़ी ऑप्शन हैं यहाँ पर। एक कमर्शियल बैंक है, एक संपथ बैंक है, थॉमस कुक है बैंक है कि यहाँ पर, और वो पीपल्स बैंक जहाँ से मैं कराने जा रहा हूँ। और मैंने हर जगह देख लिया, हर जगह आपको यूएसडी का 200 ही मिल रहा है, बट अगर आप थोड़ी सी बात करोगे तो आपको 203, 204 भी शायद वो कन्वर्जन रेट में दे देंगे। सो यहाँ से लेते हैं। एज ऑफ नाउ ये है एक्सचेंज रेट्स, और INR तो होता ही नहीं है। सो अभी के लिए पीपल बैंक में हम एक्सचेंज कर रहे हैं $300, और रेट हमें मिला है 203 सर, 300 सॉरी पासपोर्ट यू वांट, ओके। सो वैसे तो $1 का यहाँ पर ₹200 लिखा है, बट अगर आप बात करो तो कुछ पैसे आपको बढ़ा दे के तो मुझे 203 दे रहे हैं। सर पासपोर्ट। सो ऐसे करके हमें एक रिसिप्ट मिली है जिसमें है 300 करेंसी एक्सचेंज और प्राइस लगा है 203, सो विच सम्स अप टू 60,900 श्रीलंकन रुपीस। बहुत अमीरों जैसी फीलिंग आ रही है, सिर्फ $100 में मुझे ₹20,000 मिले, ₹20,300 मिले, यस पर पर्सन। फर्स्ट कितना है? 400। एक क्विक इन्फो और देता हूँ, अगर आपके पास USD में नहीं है पैसे, अगर आप करेंसी एक्सचेंज नहीं करा रहे हो तो आपके ATM कार्ड में आप बस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ATM विड्रॉल को इनेबल कर दो, और यहाँ पर हर बैंक के ATMs हैं तो आप आराम से यहाँ पर आके कैश विड्रॉ कर सकते हो। जो ट्रांजैक्शन फ़ी लगा रहे हैं वो सिर्फ 400 LKR है, तो अगर INR में देखो तो बहुत ही कम अमाउंट होता है। सो आप ये भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कैश विड्रॉ करने के लिए। सो यहाँ पर सारे फॉरेन एक्सचेंज के हैं, और इधर है सारे ATM, सो यू कैन विड्रॉ योर कैश वेरी इजी। सो अभी कैश तो विड्रॉ हो चुका है, और सिम लेने जा रहे थे, बट बीच में काउंटर दिख रहा है हेल्थ डिक्लेरेशन का, जो हमने ऑलरेडी कर लिया था निकलने से पहले इंडिया से, तो आई थिंक वो फॉर्म बस हमें दिखाना होगा एंड इसके बाद सिम लेते हैं। सो क्योंकि मैंने हेल्थ डिक्लेरेशन पहले से की थी, तो इन्होंने ये बस एक रिसिप्ट प्रिंट करके दे दिए जिसमें मेरा नाम और पासपोर्ट, फ्लाइट नंबर, डेट ऑफ डिपार्चर, अराइवल, एवरीथिंग इज हियर।
और अब सिम देखते हैं, सिम के लिए डायलॉग, एयरटेल एंड SLT, मोबिटल, तो सबके प्राइजेस देखते हैं और सबका डेटा प्लान देखते हैं, देन वील टेक ऑन सिम। फिलहाल अभी हमने कोई सिम तो नहीं लिया है क्योंकि सारे के सारे प्राइजेस जो देख रहा था मैं, 1400 रुपीज़, 1600 रुपीज़, 1500 रुपीज़ ऐसे दिखा रहे थे, 30 GB, 20 GB डेटा, इवन एयरटेल का दिखा पर वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो मैंने कहीं ना कहीं एक वीडियो में मुझे याद है देखा था कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो एयरपोर्ट से मत लीजिए, सिटी में जाकर लीजिए, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिलेगा। तो मेरा एयरटेल जो है वो पोस्टपेड है, सो आई कैन स्टिल रिसीव कॉल एंड एक्टिवेट, मैंने एक छोटा सा प्लान जो है वो एक्टिवेट कर सकता हूँ यहाँ पर अगर मुझे मैप यूज़ करना है सुबह तक के लिए, नहीं तो सुबह जाके वहाँ पर सिम ले लेंगे। और जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, तो कुछ भी पूछ रहा हूँ इमीडिएटली हेल्प करने को दौड़ के आ रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। तो अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट से निकलने के बाद हम बहुत देर तक बस ढूंढ रहे थे, बट जो बस हमें नियरेस्ट मिलेगी वो 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद मिलेगी, तो हम ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो हमने ये सोचा है कि हम सीधा कैब लेके होटल जाएंगे और 4 लोग आराम से आ भी जाएंगे। बस का जो भी है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो कल एयरपोर्ट से आने के बाद तो एकदम हिम्मत ही नहीं बची कि कुछ भी ब्लॉग कर सकूं या कोई कुछ भी बोल सके, हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। और मैं आपको बता देता सबसे पहले कि हम एयरपोर्ट से यहाँ कैसे आए, हमने एक कैब करी तो इमीडिएटली वहीं पे एयरपोर्ट पे हमने कैब कर ली और उन्होंने हमसे 2600 LKR अमाउंट मांगा एयरपोर्ट से लेके कोलंबो से मेन सिटी में जहाँ पर हमारा स्टे था वहाँ के लिए, और हमने 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा टैक्स भी पे किया, टोल टैक्स, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा होती है हरदम। तो अगर आई थिंक अगर आप पिक मी ऐप या ऊबर से भी कोई कैब बुक करते हो तो यू ओनली हैव टू पे द टोल। तो होटल में आपको दिखाता हूँ, होटल में भी हमारा चेक इन जो है 11 बजे का टाइम था, बट हम 5:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और जो होस्ट थे यहाँ के वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने भी हमें एंट्री जो है बहुत ही जल्दी दे दी, मतलब 5:30 बजे हमें चेक इन दे दिया, यूजुअली कहीं पर भी नहीं मिलता। सो मैं इस होटल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप प्लीज़ यहाँ पर पक्का मैं रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पर आके स्टे करो। और इसके बाद होटल का मैं अभी आपको जो भी जहाँ पर भी स्टे कर रहा हूँ वो दिखाऊंगा क्योंकि बाकी लोग सो रहे हैं। तो फिलहाल आज का प्लान ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह 11:30 और बहुत ज़्यादा लेट हो गया और हम थके भी हुए थे, 5:30 बजे आए, 6 तो हमें बज गया सोते सोते। सो आज का प्लान ये है बेसिकली कि सबसे पहले अभी सिम लेना है, ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट के बाद लंच ही होगा, और उसके बाद तीसरा काम है कि मुझे और अनुराग को टेम्प्रेरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है यहाँ का। तो ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा तो हम हर जगह स्कूटर रेंट कर सकते हैं, हम जिस भी सिटी में जा रहे हैं हम हर जगह स्कूटर रेंट कर सकते हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग कि हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा बार बार, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कैब बुक कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों से आपको कोई मतलब यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो ये आइडिया मुझे आया और मैं पहले से ही टच में था अपने जो भी booking.com से मैंने बुकिंग करी, ये भी मैंने booking.com सारी बुकिंग जो भी हम स्टे कर रहे हैं सारी booking.com से करी है और वो बुकिंग करी जिसमें आपको प्री पेमेंट की ज़रूरत नहीं है ना ही वो अपनी क्रेडिट कार्ड देने की ज़रूरत है। तो ये सारे के सारे जो भी स्टे हैं मेरे ये सारे के सारे मैंने ऐसे ही बुक करे हैं, तो इन सब का लिंक तो एनीवेज मैं आपको देने ही वाला हूँ। तो उनमें से एक भैया ने एक स्कूटर सर्विस होती है ना उनका रेफरेंस दिया था मुझे कि आप इनको कॉल कर लो, तो उन्होंने बोला बेस्ट है आप एक टेम्प्रेरी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, तो आज वहीं काम करना है। आई थिंक टूरिस्ट के लिए बहुत जल्दी बन जाता है एंड उसका अमाउंट उन्होंने बताया था मुझे शायद 600 INR मतलब इंडियन रुपी में 600 रुपये लगते हैं एक लाइसेंस के, तो 30 डेज़ की वैलिडिटी होती है, बट जो एक्चुअल अमाउंट है जो एकदम ऑन पेपर वो मुझसे लेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको वहीं पर बताऊँगा उनके ऑफिस में। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक बार बाहर से ये लोकेलिटी भी दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ और बाकी लोग जब जाएंगे तो आपको रूम भी दिखाता हूँ। सो ये है प्लेस जिसका नाम है ड्रॉप इन और बहुत ही अच्छी जगह है और इवन दी अगर मैं सोसाइटी लोकेलिटी जो भी आप बोल लो इट्स अ वेरी नाइस स्टे। तो अभी फ़िलहाल रूम से निकलने के बाद हम और अनुराग आ गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और इस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक मोटर वीराहरा और मेरे हमारे होटल से 10 किलोमीटर दूर था और ऑटो वाले ने चार्ज किए 500 रुपये LKR
और बेस्ट थिंग इज़ कि सब कुछ वो लोग मोटर से ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मांग दिया, जो मांग रहे हैं कुछ भी उनको मत लीजिए, यहाँ पर लोग मीटर से भी चलते हैं, तो जो मीटर से चल रहे हैं आप उसमें बैठिए कहीं जगह। हाँ, एक पहली बार कितना दिया था, 60 रुपये फर्स्ट टाइम, राइट? पर फिर हर किलोमीटर के बाद 40 रुपये। और नेक्स्ट जो ऑटो हमने लिया, एक्चुअली हम गलत जगह चले गए थे, पहले दूसरे डिपार्टमेंट चले गए थे, दूसरे एरिया में चले गए थे सेम डिपार्टमेंट, पर वहाँ नहीं बनता है, तो यहाँ पर, ओ यहाँ पर, तो वह यहाँ पर टूरिस्ट लाइसेंस लेने के लिए आपको चाहिए एच ब्लॉक में जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ करेक्ट। तो अभी चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल अनुराग तो अंदर बैठा हुआ है लाइसेंस के लिए इंक्वायरी करने के लिए, तब तक मैं सिम लेने आया हूँ, और सिम मैंने देखा है मोबीटेल कंपनी भी है, यहाँ मोबीटेल भी है, एयरटेल भी है, एंड उसके आगे डायलॉग भी है, सो मोबीटेल का ये वाला प्लान मुझे सही लग रहा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप और जो भी है, ये सारे अनलिमिटेड है, प्लस 2 GB मिलेगा, एंड ये 398 लिखा हुआ श्रीलंकन रुपीज़, बट ये सिर्फ 200 रुपये ले रहे हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी में रिचार्ज कर लेंगे, एंड इमीडिएट एक्टिवेशन है 10 मिनट्स में, और डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ पासपोर्ट चाहिए। सो फाइनली वी आर बैक फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मोटर ट्रैफिक, जहाँ से हमें टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। जल्दी से क्विक में बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, ओरिजिनल भी, और उसका फोटोकॉपी भी लेके आइए, फिर आपको जो वीज़ा इशू हुआ है उसका भी एक फोटोकॉपी कराइए, और जिस भी आप कंट्री से आ रहे हो, मान लो आप इंडिया से आ रहे हो, तो इंडिया का जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसका भी एक जेरोक्स कॉपी लेके आ जाइए, क्योंकि वो देखते हैं। और आपको अगर इंडिया में मान लीजिए खाली स्कूटी चलाने का, मतलब विदाउट गियर चलाने का अगर लाइसेंस है, तो खाली सेम ही लाइसेंस मिलेगा। इफ़ यू हैव लाइक गियर्ड एंड फोर व्हीलर लाइसेंस ऑल्सो, तो वो भी आपको सेम ही इशू करेंगे यहाँ पर। सो कितना चार्ज लगा लाइसेंस का, इट इज़ 1000 LKR, दैट इज़ समथिंग अराउंड 380 INR। और अभी फ़िलहाल हमारे होस्ट जो हैं वो रूम टूर देना चाहते हैं, तो जिस रूम में हम रुके हैं एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब हम चार लोग आए और एकदम से कूद पड़े बेड वेड पे, तो सब कुछ बिखरा हुआ है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा है कि अगर आपके पास सेम रूम वैसे ही है तो आप प्लीज़ दिखा दो, ताकि एटलीस्ट एक रूम टूर हो जाए। एंड अभी वो रूम टूर कराएंगे और उसके बाद आप देख लेना। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप कोलंबो में आ रहे हो और इस प्राइस में, अगर मैं आप कंपेयर करूँ, मान लो अगर आप सिंगल बंदे आ रहे हो और हॉस्टल में रहना चाहते हो, तो पर डे का शायद 400-500 आराम से लग जाता है। और यहाँ हमें क्या मिला है, हमें मिला है 4000 रुपीज़ में, हम चार लोग रुक रहे हैं 2 दिन के लिए, सो आप कंपेयर कर सकते हो, एक्चुअली इक्वली बड़ा है। अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप हॉस्टल भी ले सकते हो या आप रूम भी ले सकते हो, हम लोग चार लोग थे, वी वे कम्फर्टेबल इन टेकिंग अ रूम ऐसे होम स्टे टाइप, तो हमें सेम ही प्राइज़ मिला, सो वी इक्वली डिवाइडेड एवरीथिंग। सो एक कमरे का टूर दे देता हूँ, यहाँ पर एक बेड ऐसा है, ये सिंगल बेड है, सिंगल बेड राइट सर, और ये क्वीन साइज बेड है, और एक बेड और आएगा अगर चार बंदे यहाँ पर हैं तो, और काफ़ी डिसेंट सा रूम है, ओ दिस इज़ बालकनी ऑल्सो। सो हमारे होस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ सिटिंग एरिया, यहाँ बैठ सकते हो, एंड काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। सो ये पूरा, अगर मैं आपकी बात करूँ 4 लोगों के लिए 2 दिन का, हमें पड़ा 4000 रुपये INR में, सो और हमने कुछ अराउंड 12000 रुपीज़ LKR के आसपास दिया है। सो 2 दिन के लिए 4 लोगों के लिए आई थिंक वेरी गुड ऑप्शन इन सिटी सेंटर। थैंक यू सर। ओके, देयर इज समथिंग एल्स टू शो, रूम्स नो रूम्स, ओके ओके, ये कुछ तो है, फ्रिज, छोटा सा मिनी फ्रिज, ओके, एंड यू हैव द स्पीकर्स ऑल्सो, न्यू ईयर पार्टी, ओके नाइस सर। एंड ये है वॉशरूम, वेरी डिसेंट वॉशरूम, नाइस। तो अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं एक बीच के लिए, और ये टुक टुक हमने बुक किया है। चलिए सर, अभी फ़िलहाल मैं और अनुराग आए हैं भेलावत्ते बीच, और ये बहुत ही पास था हमारे होटल से, और क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो
हमने सोचा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर ले क्योंकि हमारा पूरा दिन निकल गया इमिग्रेशन देन लाइसेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। थोड़ा रेस्ट करके हमने सोचा कि एटलीस्ट शाम को इवनिंग में बीच की तरफ आ जाएं और यहाँ से व्यू देख लो आप, ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम है एंड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट प्लेस। वहाँ जाते हैं, वहाँ आराम से चिल करेंगे थोड़ी देर। सो अभी फ़िलहाल बैक टू दी होम स्टे जहाँ पर हम रुक रहे हैं। बाहर गए, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, अच्छी जगह खाना खाया और ज़्यादा व्लॉग नहीं किया आज के व्लॉग में। बस मैंने आपको इमिग्रेशन के बारे में और कैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस लिया वो बताया, और कल से हम बेसिकली कोलंबो को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो कल से जो भी व्लॉग होगा इट विल बी मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग प्लेसेस इन कोलंबो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।